जंगल का जीवन आसान नहीं होता, ये बात तो हम सभी जानते ही है, लेकिन इसे महसूस वही कर पाते हैं जो यहाँ सरवाइव करते हैं। दरअसल शिकारी और शिकार का खेल ही जंगली जानवरों की किस्मत होती है। यहाँ बड़े छोटे हर जीव को हमेशा अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, कभी भोजन के लिए तो कभी पानी के लिए। जंगली जानवरों को भोजन भले ही कहीं और से मिल जाता हो, लेकिन पानी के लिए इन्हें नदी या तालाब के पास चलकर आना ही पड़ता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार दो घूंट पानी के लिए इन्हें अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे हालात में जानवर कैसे सरवाइव करते हैं, ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 10, इम्पाला वर्सेस क्रोकोडाइल। कहते हैं कि जल ही जीवन है। धरती पर मौजूद हर एक जीव को भोजन, हवा और पानी की जरूरत पड़ती ही है। पानी के बिना हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, इसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। इम्पाला का एक बड़ा झुंड यहाँ अपनी प्यास बुझाने में लगा है, लेकिन इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल पानी के इन सोर्सेज में मगरमच्छ का अधिकार होता है। ऐसा लगता है जैसे इनकी इजाजत के बगैर अगर कोई पानी पी ले तो उससे बड़ा पाप हो जाएगा, और इस पाप की सजा ये खुद देता है। हालांकि इम्पाला को कई वार्निंग मिले, लेकिन आखिर में होनी को कौन टाल सकता है। क्रोकोडाइल के जानलेवा हमला से एक इम्पाला की जान चली जाती है और बाकी के इम्पालास मुंह देखते रह जाते हैं। नंबर 9, विल्ड बीस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल। विल्ड बीस्ट अफ्रीका के जंगलों के ऐसे जानवर है जो हमेशा एक बड़े से झुंड में ही रहा करते हैं। शाकाहारी नेचर का ये जानवर घास पत्तों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी तय करते हैं। इस दौरान इन्हें कई नदियों से होकर भी गुजरना पड़ता है, जहां उनके लिए क्रोकोडाइल रूपी दानव का खतरा बना रहता है। लेकिन ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब ये अकेले पानी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ घात लगाए बैठे मगरमच्छों को ऐसे ही मौके की तलाश होती है। ये विल्ड बीस्ट बुरी तरह से फंस चुका है। क्रोकोडाइल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इसके जबड़े से खुद को छुड़ा पाना जानवरों के लिए पॉसिबल नहीं होता। यानी कि प्यास बुझाने आए विल्ड बीस्ट की जान अब खतरे में है। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लगता है विल्ड बीस्ट की कुंडली में अभी और कुछ दिन जीना लिखा है, तभी तो मसीहा बनकर वहाँ हिप्पो आ धमकते हैं और क्रोकोडाइल के मुंह से विल्ड बीस्ट को आजाद करा देते हैं। हालांकि हर जानवर की किस्मत विल्ड बीस्ट जैसी नहीं होती। नंबर 8, चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। चीता को जंगल का डेंजरस और फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है, जिसके हमले से बच पाना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल होता होगा। लेकिन दुनिया में कुछ और ऐसे शिकारी जानवर भी मौजूद है जिनका हमला सीधे जिंदगी से कनेक्शन काट सकता है। इसकी अटैकिंग स्पीड को देखकर तो चीता भी सन्न रह जाता है। सबसे तेज और सबसे चौकन्ना रहने वाला चीता क्रोकोडाइल के जबड़े में आ सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्रोकोडाइल का हमला इतना खतरनाक था कि चीता कुछ भी समझ सके इससे पहले कि क्रोकोडाइल का शिकार हो चुका था। क्रोकोडाइल के हमले का खौफ उसके बाकी के साथियों के चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता है। डर से सहमे बाकी के चीता वहाँ से भाग खड़े होते हैं। नंबर 7, जीब्रा वर्सेस क्रोकोडाइल। जीब्रा का कलर पैटर्न तो दुनिया भर में फेमस है। विल्ड बीस्ट की तरह ही ये भी शांत स्वभाव के शाकाहारी जानवर है जो बड़े से झुंड में ही रहा करते हैं। लेकिन इनका ये स्वभाव कई बार खतरा भी बन जाता है। दरअसल झुंड में होने के कारण शिकारी जानवरों के लिए इन पर हमला करना आसान हो जाता है, क्योंकि झुंड में एक ना एक शिकार तो इनके हाथ लग ही जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जब पानी पी रहे जीब्रा के एक झुंड पर क्रोकोडाइल ने अचानक हमला कर दिया। इस अफरा तफरी में सभी जीब्रा मौके से भाग खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से एक जीब्रा क्रोकोडाइल की पकड़ में आ जाता है। ये जीब्रा की जिंदगी का सबसे खौफनाक समय होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के मुंह से जिंदा बच पाना एक सपने जैसा होता है। हालांकि जीब्रा के लिए ये सपना सच हो गया। जीब्रा ने क्रोकोडाइल के सामने हार नहीं मानी और आखिर में मौका मिलते ही क्रोकोडाइल को चकमा देकर वहां से रफू चक्कर हो गया। हालांकि इस हमले में जीब्रा जख्मी जरूर हो गया, लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जान बची तो लाख हो पाए। नंबर 6, एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। ये तो सच है कि जिंदा रहने और प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी में समय बिताने में बड़ा मजा आता है, और एलिफेंट्स भी इनमें से एक एनिमल है। जमीन पर सरवाइव करने वाले सभी जीवों में हाथी सबसे बड़े और बलशाली होते हैं। ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन ये बात क्रोकोडाइल को कौन समझाए। इन्हें तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। अपने परिवार के साथ पानी पीने पहुंचे ये हाथी बड़े ही मजे से प्यास बुझाने में लगे थे कि तभी अचानक से क्रोकोडाइल अपनी चाल चल देता है।
वैसे तो हाथी पर हमला करना और उन्हें हरा पाना क्रोकोडाइल के बस की बात नहीं होती है, मगर क्रोकोडाइल की भी अपनी अकड़ है। इस बार क्रोकोडाइल ने गलत जानवर से पंगा लिया है। वैसे तो एलिफेंट शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन खतरे को देख ये इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि किसी से भी संभाले नहीं संभलते। एलिफेंट ने क्रोकोडाइल को ऐसा मजा चखाया कि अगली बार शायद ये किसी एलिफेंट के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। नंबर 5, बफलो वर्सेस क्रोकोडाइल। बफलो उन जानवरों में से है जिन्हें पीने के अलावा अपने शरीर को ठंडा करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये ऐसे जगहों पर घास चढ़ते हैं जहाँ आस पास पानी का कोई सोर्स जरूर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बफलो का एक झुंड यहाँ पानी पी रहा है। वैसे तो जंगल में बफलो के लिए भी खतरा कम नहीं होता है, लेकिन लायन और टाइगर को छोड़कर बफलो जैसे बड़े जानवर का शिकार करने की हिम्मत सिर्फ क्रोकोडाइल में ही होती है। और क्रोकोडाइल को ये मौका इसी वक्त मिलता है जब ये पानी पीने के लिए पहुंचते हैं। इतने शातिर तरीके से क्रोकोडाइल शिकार की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ मौजूद किसी भी बफलो को इसकी भनक तक नहीं लगती, और आखिर में क्रोकोडाइल अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। पास खड़े किसी भी बफलो में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये अपनी साथी की मदद कर सके। नंबर 4, वॉटहॉग वर्सेस क्रोकोडाइल। मौत को टक से छूकर वापस आना किसे कहते हैं, ये आप वॉटहॉग से सीख सकते हैं। हालांकि काफी रिस्की काम है, अब इसे स्किल कहिए या फिर वॉटहॉग की किस्मत, लेकिन जिस स्पीड से क्रोकोडाइल ने वॉटहॉग पर हमला किया था, इस हमले से किसी दूसरे जानवरों के लिए बच पाना बेहद मुश्किल काम था। वॉटहॉग काफी फुर्तीले जानवर होते हैं और शिकारी जानवरों के हमलों से बचने में भी काफी ट्रेंड होते हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई शिकारी जानवर इन पर हमला कर देता है, फिर चाहे लायन हो, लेपर्ड हो या फिर चीता। क्रोकोडाइल की तरह ही इन सब के लिए भी वॉटहॉग का शिकार करना टेढ़ी खीर लगता है। वॉटहॉग के कारनामे भी बड़े ही अजीब होते हैं। छोटे से गड्ढे में पानी पीने पहुंचे इस वॉटहॉग को खतरा महसूस हो रहा है, फिर भी खतरों का ये खिलाड़ी खतरे का सामना करना चाहता है। हालांकि ये जानलेवा हो सकता था, लेकिन शायद क्रोकोडाइल को हमला करने का कोई दाव नहीं मिला, इसीलिए इसने वॉटहॉग पर हमला नहीं किया। मगर वॉटहॉग द्वारा लिए गए इस रिस्की स्टंट को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। नंबर 3, लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। लायन और क्रोकोडाइल इस धरती के ऐसे खूंखार शिकारी जानवरों में से है जो अपने शिकार को हर साल में हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए ये बड़े से बड़े जोखिम उठाने में भी नहीं कतराते हैं, लेकिन ये मंजर उस वक्त और भी खतरनाक हो जाता है जब ये दोनों खुद आमने सामने होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडी, पावरफुल जॉस और जिद्दी पन इन दोनों शिकारी जानवरों का नेचर है। वैसे तो दोनों अलग अलग हैबिटेट्स के जानवर है, लेकिन कई बार भोजन पानी की लड़ाई में इनका मुकाबला होता रहता है। कभी क्रोकोडाइल लायन के शिकार को हड़प लेना चाहता है, तो कभी लायन को अपने इलाके के आसपास या पानी में देखकर क्रोकोडाइल हमला कर देता है। हालांकि इन दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि अंजाम काफी घातक होगा। नंबर 2, लेपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। लेपर्ड को शिकारी जानवरों में सबसे चालाक माना जाता है। ये हमेशा चौकन्ना रहता है, जैसा कि इस वक्त है। दरअसल शिकार करते समय लेपर्ड को काफी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, जिसके बाद ये पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटकता है। लेकिन क्या यहाँ ये इत्मीनान से पानी पी पाएगा, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ मगरमच्छ का अधिकार है और खतरा भी। देखते ही देखते आखिर में खतरे ने दस्तक दे ही दी। शुक्र है कि क्रोकोडाइल के हमले से लेपर्ड बच गया, वरना चीता की तरह इसका भी बुरा हाल हो जाता। वैसे लगता है लेपर्ड आज कुछ ज्यादा ही प्यासा है, इसीलिए क्रोकोडाइल के वापस जाने का इंतजार कर सकता है। सच में प्यास बड़ी चीज है। नंबर 1, लकी बुशबक एस्केप फ्रॉम क्रोकोडाइल। पानी के लिए जीवन को दांव पर लगाने वाले जीवों में छोटे और मासूम जानवरों पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। इस बुशबक को ही देख लीजिए। हालांकि इस वक्त इसका सारा ध्यान पानी पीने में लगा है, लेकिन इसका बॉडी पोस्चर देखकर लगता है जैसे क्रोकोडाइल की हंटिंग टेक्निक का इसे पूरा अंदाजा है। बिजली की गति से क्रोकोडाइल बाहर आता है और बुशबक को लपकने की कोशिश करता है, लेकिन बुशबक की चालाकी और फुर्ती के सामने क्रोकोडाइल की सारी हंटिंग स्किल्स धरी की धरी रह जाती है। तो देखा आपने कैसे प्यास बुझाने के लिए इन जानवरों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।